For more such an updates, click the red button and hit the bell icon to never miss any video from HSB News. आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चना और स्तवन किया जाता है। नवरात्र के पहले दिन माँ की आराधना से पहले घट अथवा कलश स्थापना का विधान है, क्योंकि कलश को गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और इसलिए किसी भी पूजन से पहले उनकी स्थापना और वंदना की जाती है। कलश स्थापना के विषय में पुराणों में कहा गया है कि जिस स्थान पर कलश की स्थापना करनी हो, सबसे पहले उसे उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर लेनी चाहिए। फिर उस स्थान पर लकड़ी का एक पटरा रखकर उस पर भी गंगा जल की कुछ बूंदे छिड़क कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए। तत्पश्चात भगवान गणेश का स्मरण करते हुए छोटी मिट्टी के पात अथवा गमले में जो जौ बोकर पटरे के ऊपर रख दे, उसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर ही रोली से स्वास्तिक अथवा ओम का चिन्ह बनाने के बाद कलश के अंदर आम या अशोक के पत्र रखकर उसके मुख पर रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए। उसके बाद चुनरी में लपेटकर नारियल को कलश पर रखकर विधि विधान से माँ दुर्गा सहित सभी देवताओं का आह्वान करना चाहिए और दीप प्रज्वलित कर अक्षत, पुष्प आदि से कलश का पूजन करना चाहिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। मंदिरों और शक्तिपीठों में प्रातः 4 बजे से लेकर 5:23 तक, देवी के मंडपों और घरों में प्रातः 9:55 से लेकर 11:17 तक। अब चलिए हम आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है।